हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ग्लीसरीन के बेनिफिट्स स्किन बेनिफिट्स हेयर बेनिफिट्स एंड इसके कुछ यूज जो कि बिल्कुल ग्लीसरीन को ही सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ कर पाओ इसके साथ कोई भी एडिशनल कुछ ऐड नहीं करना है सो so गाइज़ मेरा नाम है पायल जैसे कि आप जानते हैं मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ और आज भी मैं आल आई हूँ आप लोगों के लिए ग्लीसरीन से रिलेटेड वीडियो जो कि मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपकी स्किन के लिए हेयर के लिए और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है तो इसे पूरा देखना पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स अड़ोस पड़ोस सबके साथ और बाद में सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चले जाए सो गाइस सबसे पहले बात करती हूँ ग्लिसरीन के कुछ स्किन बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि ग्लिसरीन है क्या है क्या चीज़ है गाइस ग्लिसरीन एक प्लांट से निकला हुआ एक एक्सट्रैक्ट है जो कि मतलब जैसे ऑयल कोकोनट से बनता है वैसे ही प्लांट का एक्सट्रैक्ट है ये ग्लिसरीन जिसमें कोई भी एडिड स्मेल कोई भी एडिड कोई भी केमिकल एक्सट्रीमली ऐड नहीं करते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है जो कि हमारे स्किन को और हेयर को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए जो हमें यूज़ करना चाहिए और बिल्कुल ये विंटर के लिए एक मतलब एक ऑल इन वन प्रोडक्ट जैसा है जैसे इसे कैसे कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊँगी वीडियो में आगे तो गाइज अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हो तो अगर आप विंटर में अपना स्किन की केयर करना चाहते हो स्किन को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको एक ग्लिसरीन का बॉटल आपके पास होना चाहिए तो गाइज चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ग्लिसरीन एक नेचुरल क्लिंजर है बिल्कुल नेचुरल क्लिनजर बोले तो वर्क मतलब कोई भी क्लेंजर से हट के है ये बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करता है अपने आ, हमारे स्किन के हमारे पोर्स की बहुत अच्छे से क्लिनिंग करता है और इसे यूज़ करने से हमारे जो स्किन का जो पीएच लेवल है वो हमारा मेंटेन रहता है और हमारे स्किन को एक्सटर्नली ग्लो देखने को मिलता है हमारा स्किन जो है वो लाइटन अप होता है वो टोन होता है और ये हमारे स्किन में ग्लो को बरकरार रखता है ग्लो को होल्ड करके रखता है और मॉइस्चर को लॉक करता है एंड ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील करवाता है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है ग्लो करता है इस चलिए देख लेती हूँ इसके कुछ यूजेस सो गाइज फर्स्ट यूज़ है इसका गाय uh, जैसे आप एनी टाइम क्लीजर की तरह यूज़ कर सकते हो एनी टाइम जब भी आप चाहे सुबह रात Uh, कभी भी आप चाहे अपने फेस को क्लेंस करने के लिए फ़ेस वॉश के अल्टरनेट uh, में ये आप यूज़ कर सकते हो guys, इसे आप अपना मेकअप रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हो जब भी आपको मेकअप रिमूव करने के लिए कोई भी ऑयली चीज़ यूज़ नहीं हो यूज़ uh, नहीं कर, करना चाहते आप कोई भी आपका स्किन टाइप चाहे कैसा भी हो ये आपकी स्किन को सूट करेगा तो so गाइज़ uh, आप मेकअप रिमूव करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं गाइज़ तीसरा जो इसका यूज़ है वो है मॉइस्चराइज़र अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते आप तो गाइस आप इस एक प्रोडक्ट से बहुत ना हो तो आप इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेके अपने फेस भी या फिर किसी भी बॉडी पार्ट को आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं सो so, गाइस ये है एक मतलब इसे आप यूज़ कर सकते हो मेकअप प्राइमर की तरह जब भी विंटर में हम आम प्राइमर्स यूज़ कर सक करते हैं वो हमारे स्किन को ड्राई करता है इसे आप एक मतलब हाइड्रेटिंग प्राइमर कह सकते हो ये आपके स्किन को हाइड्रेटेड रहेगा रखेगा प्लस लॉन्ग लास्ट आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा मतलब कि आप इसे एक प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो गाइस फिफ्थ यूज़ ये है कि गाइस बॉडी लोशन की हमें सख्त ज़रूरत होती है विंटर में बार बार ज़रूरत होती है बस अगर आप इसे एक बार यूज़ करोगे तो आई uh, मतलब मैं इतना कह सकती हूँ कि आपको बार बार मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर uh, जब भी आप नहा के उठो तब भी आपको बॉडी uh, लोशन या फिर रिफ्रेश uh, करने के लिए अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ता है तो आप उस टाइम पर ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉडी लोशन एज अ मॉइस्चराइज़र फॉर योर बॉडी सिक्स यूज़ है नील क्रीम हमारे गैस हम जब भी मेनिक्योर करते हैं पेडिक्योर करते हैं या फिर हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं हमारे नेल्स के साइड्स बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं तो आप कह सकते क्यूटिकल का जो क्रीम होता है वो वो आ, उसके जगह पे आप इसे ग्लिसरीन से इस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं यहाँ का जो स्किन है उसे अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं तो गाइज हमारा सेवन्थ यूज़ ये है कि आप गाय इसे एज ए लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपके लिप ड्राई हों आप इसका एक लेयर अपने लिप पे लगा सकते हैं तो ये आपके लिप को हाइड्रेटेड बनाएगा लिप को मॉइस्चराइज करेगा और एज ए लिप बाम काम करेगा चलिए इसका कुछ हेयर बेनिफिट्स जान लेते हैं गाइज ये हमारे ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वैसे ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है Uh, ये हमारे बालों से जो है ड्राइनेस फ्रिजनेस को दूर करके हमारे बालों को एक्स्ट्रा नरिश करता है एक्स्ट्रा ड्राइनेस को uh, रिड्यूस करता है हमारे बालों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड करता है हमारे हाइड्रेट रखते हैं हमारे बालों को भी और यह हमारे बालों को मैनेजेबल एंड स्मूथ बनाए रखने में हेल्प करता है जैसे कि मैंने बताया इसमें बहुत सारे हेयर को अच्छे रखने के लिए इसमें बहुत सारे गुण हैं तो कुछ इसके यूज़र्स देख लेते हैं इसका फर्स्ट यूज़ है अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप कह सकते आप कर सकते हैं थोड़ा सा ग्लिसरीन लेके अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं शैम्पू से पहले इससे आपके जो डैंड्रफ होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और इसका दूसरा यूज़ है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है बहुत ज़्यादा फ्रिजी है बाल बिल्कुल बेजान हो गए हैं तो आप कह सक आप शैम्पू से पहले ग्लिसरीन ले लें एक बाउल में और उसको थिक लेयर पे अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करके उसके आधे घंटे बाद आप शैम्पू कर लीजिए इससे आपके बाल नरिश्ड होंगे मॉइस्चराइज होंगे हाइड्रेटेड होंगे और बाल बहुत अच्छे स्मूथ दिखेंगे एंड गाइज़ इसका थर्ड हेयर थर्ड यूज़ है आ, कि आप इसे गाइज अपने बालों पर सीरम की जगह आप यूज इसे यूज़ कर सकते हैं ये मतलब तो, अमेजिंगली वर्क करता है अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप ग्लिसरीन ले लो ग्लिसरीन ले अपने गीले बालों पे अपने डैम्प हेयर पे अप्लाई करो और बिल्कुल सीरम जैसा काम करेगा बिल्कुल आपको सीरम सीरम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so, गाइज़ ये था आज का वीडियो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको लिए आपके लिए काम आए तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और गाइड मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय